ये से रूपा जी, सोयाबीन में क्या लगता है आपको? कल को हमने सोयाबीन को, यूएस सोयाबीन को 1744 1745 डॉलर तक जाते हुए देखा, आज देख रहे हैं लगभग 14 से 15 डॉलर की गिरावट देखने को मिल रही है। 1730-35 डॉलर की रेंज में यूएस सोयाबीन ट्रेड कर रही है और एनसीडीएक्स पर हम 7900 तक का लेवल सोयाबीन में जाते हुए देख चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोइंग सीजन शुरू होने से पहले सोयाबीन में जितनी तेजी बननी है बन जाएगी और फिर जब बुआई होगी फिर बाजार गिर जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि बॉय होने पर मार्केट गिर जाएगा। अभी जो सिनेरियो है वो पॉजिटिव। आप देखिए, इंटरनेशनल मार्केट को आप स्टडी करें और डोमेस्टिक मार्केट को देखें तो एक डिमांड जो है वो फैक्टर अहम रोल प्ले करता नजर आ रहा है। उधर से सप्लाई काफी कम है जिसकी वजह से जो है कीमतों को सपोर्ट मिला हुआ है और इंपोर्ट भी नहीं हो पा रहा है बहुत ज्यादा। तो कोई भी जो अभी सेंटिमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव नहीं है। देखिए, बाजार हो सकता है कि यहाँ पर रुक जाए लेकिन तेजी ना पकड़े, लेकिन यहाँ पर सस्टेनेबल रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा करेक्शन की फिलहाल उम्मीद नहीं है। क्योंकि चारों तरफ से अभी ऐसा ही सिनेरियो बनता नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो सस्टेबल रहेगा ऊपरी स्तरों पर और जो है आगे भी तेजी का ही रुझान बना रह सकता है। और फिलहाल के लिए आगे सोइंग कितनी होगी, क्या आंकड़े निकल कर आएंगे उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। वेदर कैसा रहेगा, फिर आगे क्रॉप कैसी रहती है उसके ऊपर ही आगे का एनालिसिस डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए एडिबल ऑयल का पैक जो है वो पॉजिटिव बना रह सकता है जी।